बबून जंगल का एक ऐसा खतरनाक शिकारी जो अपने सामने वाले से कभी नहीं डरता, फिर चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। जंगल में बबूनों का झुंड अपने खतरनाक अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं, जो बंदरों की एक मांसाहारी प्रजाति है। बबून इतने आक्रामक और खतरनाक होते हैं जो शेरनियों के भी छक्के छुड़ा देते हैं। आज के इस वीडियो में हम बबूनों के ऐसे ही खतरनाक मूवमेंट और कुछ हमले देखने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ लायन कॉब को चुराना इस बबून के लिए बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि बबून को ये पता नहीं था कि माँ बच्चे को ढूंढते हुए पीछे आ जाएंगी। एक माँ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में लगी है, लेकिन शेरनी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या करे। शेरनी बिना रुके बबून से बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। बच्चे की जान मुसीबत में देख शेरनी झाड़ पर भी चढ़ जाती है, लेकिन यह बबून अकेली शेरनी पर भारी पड़ जाता है और वो शेरनी को डराने में भी कामयाब हो जाता है। आखिर शेरनी भी अपनी खतरनाक रूप दिखाती हुई सभी बबूनों पर टूट पड़ती है, जिससे बबूनों की हवा निकल जाती है और वो जान बचाकर भागने लगते हैं। शेरनी को भी बच्चे की मौत का बदला लेना था, इसलिए शेरनी के आगे बबूनों की एक नहीं चली और शेरनी एक बबून को मौत की घाट उतार देते हैं। बबून का ये खौफनाक हमला देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ बबून देखते ही देखते एक फ्लाइमिंगो को अपना शिकार बना लेता है। बबून इतनी फुर्ती के साथ हमला किया जिससे फ्लाइमिंगो को जरा सा भी मौका नहीं मिला और बेचारा फ्लाइमिंगो बेमौत मारा गया। यहाँ जैसे ही बबून ने फ्लाइमिंगो का झुंड देखा तो वो इन पर झपट पड़ा। फ्लाइमिंगो भी अपनी जान बचाते हुए भागने लगे, लेकिन बबून की रफ्तार भी काफी तेज है, इसलिए फ्लाइमिंगो का बचना तो मुश्किल है। फिर भी सभी जान बचाकर भाग रहे हैं। आखिरकार बबून अपना खतरनाक हंटिंग स्किल से फ्लाइमिंगो को दबोच लेता है। बबून अपनी फुर्ती दिखाते हुए छलांग लगाकर फ्लाइमिंगो को लपक लेता है। हजार कोशिशों के बाद भी फ्लाइमिंगो मारा जाता है और बबून मजे से अपना शिकार खाने लगते हैं। बबून सिर्फ शिकार ही नहीं बल्कि सामने वाले से खतरनाक मुकाबला करने में भी माहिर होते हैं। बबून साइज में छोटे जरूर हैं, लेकिन अपनी आक्रामकता से शेर को भी पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। जैसे कि यहाँ बबून गोरिल्ला परिवार को परेशान कर रखा है और बेचारे गोरिल्ला मुकाबला भी नहीं कर पा रहे। दरअसल यहाँ बबून गोरिल्लाओं की खाना छीनने की कोशिश में लगे हैं। अब बबून की इस अंदाज को क्या कहेंगे हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखें। यहाँ बबूनों का झुंड इम्पाला की बच्चे को छीनने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन मॉम इम्पाला भी बच्चे को बचाने के लिए बिना घबराए बबूनों से मुकाबला कर रही है। तभी एक बबून बच्चे को मुंह में दबाकर वहां से भागता है। इम्पाला भी पीछे जाती है, लेकिन बबून झाड़ पर चढ़ जाता है, जिससे इम्पाला बच्चे को बचाने में नाकामयाब हो जाती है। मॉम इम्पाला बच्चे की उम्मीद में अभी भी नीचे बबूनों से लड़ रही है। दोस्तों, माँ की ममता ही ऐसी होती है जो कभी उम्मीद नहीं छोड़ती। इस क्लिप में एक माँ की सबसे खतरनाक रूप देखने को मिला, जहाँ एक मॉम इम्पाला अपने बच्चे के लिए बबून से मुकाबला कर रही है और बार बार हमला किए जा रही है, जिससे बबून भी काफी घबराया हुआ है। दरअसल यहाँ बबून बेबी इम्पाला को शिकार बनाने के लिए पीछे पड़ गया है और खतरनाक तरीके से इम्पालाओं का पीछा कर रहा है। आखिरकार बबून अपनी रफ्तार से बेबी इम्पाला को दबोच लेता है, लेकिन माँ भी बच्चे को बचाने के लिए खतरनाक बबून से भिड़ जाती है और अपनी खतरनाक अंदाज से हमला कर रही है, लेकिन बबून से बच्चे को बचाना काफी मुश्किल है। यहाँ लंगूर का अंदाज देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये शरारती लंगूर अपने अंदाज में टाइगर कॉब को परेशान कर रहा है और इधर उधर उछल कूद कर रहा है। ये लंगूर अपने कर्तव्य का गलत फायदा उठाते हुए टाइगर कॉब को परेशान कर दिया है।
इस लंगूर का किस्मत अच्छा है जो यहाँ मॉम टाइगर मौजूद नहीं है। लंगूर टाइगर कॉप को परेशान करने का कोई कसर नहीं छोड़ा और बेचारा टाइगर कॉप परेशान हो गया। इतना ही नहीं बल्कि लंगूर ने टाइगर कॉप के ऊपर सूसू भी कर दिया है। लेकिन बेचारा करे भी तो क्या करे, क्योंकि ये झाड़ पर भी नहीं चढ़ सकता। आखिर वहाँ मॉम टाइगर आ ही जाती है, जिसे सामने देखकर लंगूर की हवा निकल जाता है। इस नकलची लंगूर के साथ आगे क्या होने वाला है, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो के प्रति आपके मन में कोई सवाल या फिर आपकी कोई राय है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा है तो इस वीडियो को अपने प्यारे हाथों से एक लाइक करना न भूले। दोस्तों, अगर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।